सर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी को उन्होंने दिशा दी है और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो नितिन गडकरी जी अच्छे आदमी हैं और मोदी जी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो सब जानते हैं। मोदी जी सभी काबिल लोगों को परेशान करते हैं। अमित शाह जी और मोदी जी का यकीन नियत है कि सबको जो है छोटे छोटे लोग को जो स्थापित कर लो, ताकि उनके जो है उनके ऊपर किसी तरह की चुनौती नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि गुजरात में इतने अच्छे मुख्यमंत्री इन लोग के पास थे जो लोग बोलते हैं, अब ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसका कोई जनादार ही नहीं है। तो मोदी जी और अमित शाह जी तो कभी बर्दाश्त, नितिन गडकरी जैसे लोग को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा सबको हटा दिए अपने रास्ते से। सुषमा स्वराज जी जब जीवित थी तो उस वक्त उनको हटा दिया था, जबकि वो देश के सबसे अच्छे विदेश मंत्री में से गिनी जाती थी। तो सर, आपको लगता है कि नितिन गडकरी चूंकि बीजेपी में मोदी जी उनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो सच बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, नितिन गडकरी जी परेशान है ये तो सच्चाई है, नितिन गडकरी जी अच्छे आदमी है ये भी सच है, मोदी जी काबिल लोगों को बर्दाश्त नहीं करते ये भी सच है। तो आप चुन लीजिए जो भी सच आपको जो है पसंद आए। एक तरफ सर बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि 2014 से पहले देश बिल्कुल अलग था और 14 के बाद देश एकदम अलग हो गया। ऐसे में अगर वो 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और 2004 से 14 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं, तो ये बतौर यूनियन मिनिस्टर बतौर बीजेपी लीडर नितिन गडकरी की सोच है या बीजेपी की? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल कह सकता, लेकिन 2014 से पहले देश तो अलग था ही। भ्रष्टाचार में देश जो है ना और नए नए जो है रैंकिंग पर बढ़ते जा रहा है। दुनिया के सबसे गरीब लोग 14 के बाद भारत में आ गए, दुनिया में सबसे कुपोषित बच्चे भारत में आ गए, सबसे ज़्यादा हमला आप जैसे लोग के ऊपर 14 के बाद ही शुरू हुई, सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोलता है और जर्नलिस्ट का प्रेस फ्रीडम सबसे खराब। आप जैसे लोग अभी भी शरीर वरीर हाथ पैर ठीक है तो ये भगवान की कृपा है, नहीं तो कुछ भी जिस तरह से ये सरकार अपने काम करती है। तो 14 से कम सबको उम्मीद थी नौकरी मिलेगा, महंगाई जो है इतनी नहीं थी। हम अभी अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे तो बोले कि मोदी जी ने सरसों तेल तो प्लेट से उड़ा दिया, सिर्फ कान में डालने लायक छोड़ दिया। सिर्फ कान में डाल सकते हो आप तो सरसों तेल, प्लेट से तो उड़ गया। तो ये सब बेरोजगारी, चारों तरफ लोग बेरोजगार हैं, तो ये स्थिति है देश की। तो गडकरी जी के बयान का वेलकम आप लोग कर? नहीं नहीं, गडकरी जी तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छे लोग तो रहने नहीं देते हैं। अब और बहुत सारे नेता बयान देंगे, सुमित्रा महाजन जी तो बोल दिए राहुल गांधी जी अच्छे कर रहे हैं, अच्छे लोग का कहाँ जगह है, ये ढाई लोग की सरकार है।